नमस्कार, मैं कुलदीप मिश्रा, एक्सीड सोसाइटी प्रयागराज की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय हमारे साथ शिवम मिश्रा जी हैं, जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं और वर्ष 2018 में हमारे विद्यार्थी भी रह चुके हैं। इन्होंने एक्सीड सोसाइटी के निःशुल्क शिक्षा अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए और असहाय गरीब और निर्धन परिवार के जो बच्चे हैं उनकी मदद के लिए ये कॉपी, पेंसिल, इरेजर है, शार्पनर और ये पुस्तकें हैं। कुछ मतलब जितना भी अध्ययन करने के लिए जितनी भी अध्ययन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसको इन्होंने एक्सीड सोसाइटी में डोनेट करके असहाय और गरीब बच्चों के जो परिवार के जो बच्चे हैं उनकी मदद किया है। तो मैं पहले तो एक्सीड सोसाइटी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से शिवम मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए इस वीडियो को बनाने का जो बार बार मेरा उद्देश्य होता है, वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि लोग इस वीडियो को देख के प्रेरित हों और हमारे काम को ना उस समझ के इसका जो उद्देश्य हमारा है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। लेकिन ये अधिकार बिना आप लोगों के सहयोग के संभव नहीं है। जैसा कि आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरे प्रयागराज में लगभग 16 स्थानों पर हमारी निःशुल्क शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक क्लास में लगभग 100 बच्चे यानी 1600 बच्चों को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। अब 1600 बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक भारी मात्रा में अध्ययन सामग्री की आवश्यकता होती है, जो कि आप लोग के सहयोग के बिना संभव नहीं है। समय समय पर आप लोगों का सहयोग मिलता रहता है और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग और भी सहयोग करते रहें, जिससे कि हम लोग 16 क्लास के आगे भी क्लासों को ले जा सकें। इसी क्रम में आज जो है शिवम मिश्रा जी ने जो है जो योगदान दिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा ये थोड़ा सा शिवम मिश्रा जी भी कुछ दो शब्द जो है बताएँ। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं तथा आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग एक्सीड सोसाइटी यानी हमारे सर जी, हमारे सर द्वारा चलाई गई फ्री की क्लासों में आएं तथा असहाय एवं गरीब बच्चों को अध्ययन सामग्रियां दें, जिससे हमारा देश आगे जा सके। अभी हाल ही में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में परसों जो है महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा के बिना देश को आगे बढ़ना संभव नहीं है। शिक्षा से ही देश की नई तस्वीर उजागर की जा सकती है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आगे आएं और एक्सीड सोसाइटी के हमारे आदरणीय सर जी द्वारा इस चलाई गई बड़ी मुहिम का हिस्सा बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे कि शिवम मिश्रा जी ने कहा कि शिक्षा, देखिए शिक्षा ना ये हमको लगता है कि बताने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे कि नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा है कि शिक्षा जो है सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। अगर हम कोई भी परिवर्तन चाहते हैं, चाहे वो अपने समाज में चाहे देश में, तो उसका सबसे बड़ा हथियार शिक्षा का है। हम लोगों को आज जो है जाति पात से ऊपर उठकर ना, धर्म से ऊपर उठकर ना, अगर हम अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके बारे में सोचे, तब हमारा देश आगे जाएगा, तब हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन पाएगा। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी जो न्यू है, जो बच्चे हैं, जैसे हम लोग के बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये मलिन बस्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक के किनारे हजारों लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे दिन भर ना, क्योंकि उनको शिक्षा का महत्व पता ही नहीं है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, एक जिम्मेदार नागरिक हम लोग को बनना चाहिए और हमको देखना होगा कि हमारे आसपास जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको पढ़ने लिखने की सुविधाएं नहीं है, तो हम लोगों ने उनको ऊपर वाले ने इतना सक्षम बनाया है कि हम उनको ना उनकी मदद करें पढ़ने लिखने में। ठीक है। बस आप सभी लोगों को, जो वीडियो देखने वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक छोटी सी जानकारी मैं अंत में और देना चाहूँगा
कि अभी हम लोगों ने भारत सरकार का जो ये पवित्र अभियान है पौर शिक्षा, जिसमें 15 या 15 वर्ष से अधिक के लोगों को शिक्षित किया जाता है जो कभी स्कूल नहीं गए, हम लोगों ने उस पर भी काम शुरू किया है। और आज की तारीख में, आज तारीख है 6 दिसंबर 2019, अब तक हम लोगों ने लगभग जो 3 क्लास शुरू कर चुके हैं और हमारा जो लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक लगभग हम लोग प्रौढ़ शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी कम से कम 10 क्लासें कर लें और हर क्लास में औसतन जो है 30 से 40 प्रौढ़ लोग जो है पढ़ने के लिए आए। और इसमें भी हम लोग ने जो अभियान शुरू किया, इसमें भी हम लोगों को अध्ययन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो प्लीज़ जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे हमारा यही अनुरोध है कि आप लोग अध्ययन सामग्री पहुंचाकर, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अध्ययन सामग्री पहुंचाकर हमारी मदद करें, हमारे अभियान को सफल बनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।